अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको शामी कबाब, ये देखें मैंने चने की दाल, गोश्त और साबुत मिर्च, शामी कबाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुटी हुई मिर्च, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी प्याज, नमक, थोड़ा सा पीसा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा सा जो है इसमें मैंने हसबे ज़ायका मसाला ऐड करा है शामी कबाब का, और ये मैंने बॉईल कर लिया है। और मैं इसे जो है बाकायदा सिल पे पीसती हूँ, क्योंकि मैं आप चॉप भी कर सकते हैं, और लेकिन जो है मुझे सिल पे पीस के जो है एक हमारे घर में सबको पसंद आता है, तो चॉप भी कर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं सिल पे पीस रही हूँ। मैंने सिल पे जो है वो ये मसाला मैंने पीस लिया है और इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया। अब इसमें मैंने प्याज कटी हुई चॉप की हुई और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक चेक कर लेते हैं इसमें, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें ऐड कर ली। ये देखिए आप इस तरीके से, और फिर ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अगर ग्लव्स आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास ख़त्म हो गए, तो ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना। एक अंडा इसमें लाजमी आपने डालना है, मैंने ये देखिए यहाँ पर डाल दिया है, पहले ही मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया था। थोड़ी सी पीसी हुई मिर्च मुझे कम लग रही थी, मैंने वो भी जो है हसबे ज़रूरत मैंने ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अगर आप स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो कर लें, मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हाथ से मैशअप करती हूँ, क्योंकि बेस्ट जो है वो हाथ से ही मुझे लगता है। तो मैंने ये कबाब जो है इस शक्ल में बना के, और ये मैंने सारे यहाँ पे बना दिया है, और ये जो है ये मैंने बॉक्सिंग कर दी है, ताकि अगर हमारे घर में फैमिली मेम्बर कम है, कल हमारे घर कुछ गेस्ट आएंगे, तो फिर मैं ये जो है निकाल के इसको डी से और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसे जो है ये ना ही ये ख़राब होता है, ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। ये मैंने ये बॉक्सिंग कर दी, आप इस तरीके से कोई सा भी बॉक्स ले लें, मेरे पास ये वाला था, तो मैं इसे रख दूँगी और फिर से एट अ टाइम मैं इसे फ्राई कर लूँगी।